गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक जो चलता है, इज एडिक्यूट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या हमारे यहाँ पर सभी तरह की हेल्थ केयर सुविधाएं उपलब्ध हैं? इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध है। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दो तरह की हमारे यहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज पाई जाती है, एक तो पब्लिक एक प्राइवेट। पाई जाती है, पब्लिक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और उसके बाद इससे पहले टॉपिक के बारे में हम क्या पढ़ के आए थे, प्राइवेट के बारे में पढ़ के आए थे। किस तरीके से डॉक्टर्स जो है प्राइवेट क्लिनिक अपना ओपन करते हैं, उससे किस तरीके से मोटे पैसे जो है छापते हैं, किस तरीके से जो है मेडिसिन रिक्वायर्ड करते हैं वो पेशेंट्स के लिए, ठीक है ना। किस तरीके से कंपनीज जो है जो दवाइयाँ बनाती हैं, अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह रन कराती हैं, वो दवाइयों को सेल करती है, जिससे कि उनको भी बहुत बड़ा मुनाफा होता है। तो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक इज एडिक्वेट हेल्थ सर्विस अवेलेबल टू ऑल। क्या हमारे पास जो एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज है, जो आवश्यक हेल्थ सर्विसेज है, क्या वो अवेलेबल है सभी जगह पर? क्या सभी पीपल्स को वो हेल्थ सर्विसेज आसानी से मिल जाती है? क्या उनको हेल्थ सर्विसेज को लेने के लिए लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता? इसके बारे में हम पूरा टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, प्राइवेट वर्सेज पब्लिक। अब क्या है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ा है, पब्लिक हॉस्पिटल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, यू नो वेरी वेल, आपको पता है, हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया। तो एक तरीके से आप इन दोनों के बीच में अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से आपने प्राइवेट के बारे में पढ़ा, किस तरीके से पब्लिक के बारे में पढ़ा। जैसे कि आपने हाकिम शेख की स्टोरी में, हम थोड़ा सा उसको लेके चलते हैं कि हाकिम शेख की स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा था कि हाकिम शेख ने जो है आपका जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल चेंज कर दिया, लेकिन उसको बेड नहीं मिला, कहीं पर अच्छा ट्रीटमेंट मिला, कहीं पर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे। तो सारी कमी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर नजर आई और जिस कारण से उसको मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना पड़ा, जिसके लिए उसको बहुत मोटा पैसा भरना पड़ा, जबकि उस पैसे को भरने की उसकी हैसियत नहीं थी। तो चलिए इस बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग का यहाँ पर मतलब कि आपने देखा होगा कि आप जैसे भी हम देखते हैं कि हर साल पर ईयर जो प्राइवेट सर्विसेज जो होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर जो होता है, वो दिन पर दिन यानी हर ईयर पर ईयर जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर साल कितने 50,000 डॉक्टर्स जो है भारत में प्रैक्टिस डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, और डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद कहाँ जाते हो, प्राइवेट क्लिनिक अपना ओपन कर लेते हैं पैसे बनाने के लिए। तो यानी हर ईयर जो है इंक्रीजिंग हो रहा है, क्या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं। These are concentrated in a urban area. और ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये अपने हॉस्पिटल्स जो बना रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं? ये हॉस्पिटल्स बना रहे हैं अपने अर्बन एरियाज, कहाँ पर बना रहे हैं? अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में नहीं बना रहे। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि रूरल एरियाज में, क्योंकि उनको सही बेनिफिट वहाँ से नहीं होता और रूरल एरिया के पीपल्स को इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, अर्बन एरियाज के पीपल उनके उनको पैसा देते हैं, फीस देते हैं। कॉस्ट इज हाई, उनकी जो कॉस्ट रहती है, उनकी जो कंसल्टेशन फीस रहती है, बहुत हाई रहती है। मेडिसिन एंड एक्सपेंसिव, मेडिसिन क्या होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है। ड्यू टू दिस, इन सब के चलते हुए मैनी पुअर पीपल, जो बहुत से गरीब लोग हैं, कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। क्या अफोर्ड नहीं कर पाते? डेट और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। यानी कहने का मतलब है कि जो बहुत से पुअर पीपल है, वो कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। क्या अफोर्ड नहीं कर पाते? इट मीन्स उनकी डॉक्टर्स की फीस, डॉक्टर की मेडिसिन, इंजेक्शन और अदर जो टेस्ट होते हैं, उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, जो उनकी फैमिली बीमार होती है उसको दिखाने के लिए उनको उधार पैसा लेना पड़ता है, यानी कर्ज में डूबना पड़ता है। अगर यही सारी फैसिलिटी पब्लिक सर्विसेज में मिल जाए तो देन क्या हो जाएगा, इट मीन्स हमारा देश बदल जाएगा, भी गरीब आदमी को जो है पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन प्राइवेट सर्विसेज एनक्रेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस। अब जो प्राइवेट सर्विसेज होती है, क्या करती है, वो एक तरीके से इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस करती है। इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस का मतलब कि वो अपने पेशेंट्स को जो है, पेशेंट्स को एक तरीके से जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, बहुत महंगी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, उसमें इंजेक्शन भी उनको बहुत महंगे दिए जाते हैं और उसके साथ साथ जो टेस्ट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। देन प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर, यानी अलग अलग तरीके से वो एक तरीके से जो वो वर्क करते हैं, यानी जो पेशेंट्स को डील करते हैं, वो
बहुत ही महंगे तरीके से करते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सके किनको, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्रेस्क्राइबिंग, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं एक्सपेंसिव मेडिसिन, मेडिसिन जो एक्सपेंसिव मेडिसिन उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, इंजेक्शन को प्रेस्क्राइब करते हैं और सैलरीज को प्रेस्क्राइब करते हैं इवन वेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जबकि वो रिक्वायर्ड नहीं होती उस पेशेंट्स के लिए तब भी जो उसको प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे कि कंपनी को मोटा मुनाफा हो सके जिस कंपनी के वो इंजेक्शन या मेडिसिन है, और डॉक्टर को जो है डॉक्टर को सब ऑलरेडी ही मुनाफा होता है। फैक्ट एंड फिगर, अगर फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं तो शोइंग ए प्रॉब्लम्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओनली 20% ऑफ पॉपुलेशन, हमारे देश के सिर्फ 20% पॉपुलेशन जो है कैन अफोर्ड द मेडिसिन, उन मेडिसिन को सिर्फ अफोर्ड कर सकती है, और 80% जो पॉपुलेशन हमारे देश की उन मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकती जिनको प्राइवेट डॉक्टर्स रिकमेंडेड करते हैं। तो क्या हमारे सामने क्वेश्चन आता है इज एडिक्वेट हेल्थ सर्विस अवेलेबल टू ऑल, कि सभी को जो अच्छी हेल्थ केयर सर्विस मिलती है तो हमारा क्या होगा बड़ा सा? नो, इट मीन्स मैंने आपको बताया क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 20% के ऐसे पीपल्स हैं जिनके पास पैसा है जो इन मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो 80% पीपल्स ऐसे हैं जिन मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की क्या कंडीशंस बहुत खराब है, जिस कारण से लोगों को प्राइवेट सर्विसेज में दिखाना पड़ता है, प्राइवेट सर्विसेज में जाना पड़ता है। जैसे कि आपने कांता के केस में देखा, आपने इक्वालिटी का पहला चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर जैसे कांता की पढ़ा था तो कांता ने दिखाया था कि कांता अपनी बेटी को लेकर कहाँ गई थी, हॉस्पिटल में गई थी, और हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वो जो बहुत लंबी लाइन लगी हुई उस लाइन में उसको खड़ा होना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, जबकि आप ये सोचते हैं कि उसको इलाज अच्छा मिले, बढ़िया इलाज मिले, तो वो फैसिलिटी पब्लिक में ना मिलकर प्राइवेट में मिलती, तो जिस कंडीशन से जो है लोग प्राइवेट की तरफ को ज़्यादा भागते हैं, चाहे उनको पैसा कर्जा लेकर जो है किसी भी व्यक्ति को अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाना पड़ता है। तो ये कंडीशंस जो हो रही है, तो इसी तरीके से सभी को जो है एक एडिक्वेट सही हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, जिस कंडीशन से जो है दोनों में कंपेरिजन होता। तो ये टॉपिक जो आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट जो है कल पढ़ेंगे। अभी आप जो इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना लें अपनी कॉपी के अंदर, और इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है, और कल फिर दोबारा आप मिलते हैं, ठीक है ना, कल दोबारा फिर हम जो है इसी चैप्टर को अगेन आगे का जो टॉपिक बचा हुआ है सेकेंड पार्ट जो बचा हुआ है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।